नमस्कार, मैं शोभा अक्षर आप सबका स्वागत करती हूँ द संडे पोस्ट में। 1985 में एक फिल्म आई थी जिसका निर्देशन किया था राज कपूर साहब ने। उस फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली। और इत्तफाक से 1985 में ही कांग्रेस सरकार एक योजना लेकर आती है, या कहें एक अभियान लेकर आती है, जिसका नाम होता है गंगा प्रदूषण रहित अभियान, जो इम्प्लीमेंट होता है 1986 में। और फिर 2014 आता है, उसी अभियान का नाम बदल कर रख दिया जाता है नमामि गंगे योजना। और फिर बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ गंगा बुलाती तो हैं, पर नमामि गंगा योजना के नाम पर जो 20,000 करोड़ आवंटित होता है, अभी तक 2019 में मोदी सरकार पार्ट टू आती है, तब तक उस 20,000 करोड़ की जो रकम है वो गंगा की सफाई में पूरी तरह नहीं लग पाई है और वो कहीं दिख भी नहीं रही है। ये सारी चीज़ें जो मैं तारीख बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं उपस्थित हूँ इस समय मातृ सदन में। मातृ सदन उन 13 जिलों में से एक हरिद्वार में है जो उत्तराखंड में है, मतलब देवभूमि में है, और ये मातृ सदन है कनखल में। मैं गलत नहीं हूँ तो कनखल की जो शब्द अर्थ अगर कहें मैं करूँ तो खल मतलब होता है दुष्ट पापी, तो यानी कि स्कंद पुराण के जिक्र के अनुसार यहाँ पर दुष्ट पापियों के भी पाप धुल जाते हैं, ये है कनखल। यहीं पर दर्ज है एक आश्रम, एक ऐसा अभियान, एक ऐसी लड़ाई जिसको कहते हैं मातृ सदन। और मेरे साथ गंगा की सफाई को लेकर अनवरत लड़ाई लड़ने वाले शिवानंद महाराज जी। आपकी जो लड़ाई है वो 1997 से मैं कहूँ शुरू हुई, क्या उसके पहले से आपने दृढ़ संकल्पित कर लिया था कि कुछ करना है गंगा के लिए? नहीं, गंगा के प्रति प्रेम मेरा पहले से था, उसके नहीं कारण थे, परंतु गंगा इस ढंग से अपमानित हो रही है, गंगा प्रदूषित हो रही है, इसका भान हमें यहाँ आने के पूर्व नहीं हुआ था। इसलिए इस संबंध में हमारा जो भी अभियान चला वो यहाँ आने के बाद गंगा की दुर्दशा देखने के बाद ही चला। मातृ सदन जो है वहाँ से कई जो अनवरत अनशन हुए हैं गंगा सफाई के लिए, शहादतें एक तरह से हुई हैं। मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि गोकुलानंद महाराज जी, निगमानंद महाराज जी, इन्वायरमेंटलिस्ट, फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट यहाँ पर अनशन करके, प्रोफेसर GD अग्रवाल साहब, उनको भी इस लड़ाई में संघर्ष करते करते जीत नहीं मिली और वो जो है परलोक से धार गए थे इसी लड़ाई में। ये सारी शहादतें हो गई इतनी सारी, फिर भी जो परिणाम है वो वैसा नहीं है जो जिसकी अपेक्षा आपने अपने मांगों में की है, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। असल बात यह क्या है कि जब तमोगुण बहुत ज्यादा हो जाता है, अंधकार बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए ताप की भी उतनी ही आवश्यकता पड़ जाती है। यदि अभी तक सरकार उस ताप के से द्रवित नहीं हुआ है तो हम समझते हैं कि और तप की आवश्यकता है। जैसे गंगा भी जब जमी हुई थी तो पहले अंशमान ने तप किए, उसके तप से पिघली नहीं, दीप तप किए, उसके तप से भी नहीं पिघली, तो फिर भगरथ के तप से पिघली। ठीक ऐसी ही यदि अभी इन लोगों का हृदय नहीं बदल रहा है तो हम समझते हैं कि ताप की, तप की और आवश्यकता है, तो हम तप की ताप से इन्हें पिघलाने की चेष्टा कर रहे हैं और ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये पिघलेंगे नहीं। गंगा नदी जो है वो सिर्फ एक जल स्रोत नहीं है, मतलब नदियों का जो एक कहा जाता है कि साइंटिफिक वे में वो जल स्रोत होती है, लेकिन गंगा नदी जो माँ गंगा है, जिनको जाह्नवी भी कहा जाता है, भागीरथी भी कहा जाता है, भारत में उनका पौराणिक महत्व है, एक सांस्कृतिक मान्यता है। उसके बावजूद भी जितनी योजनाएं बन रही हैं उनको जमीन पर उतारने के लिए कोई सरकार दृढ़ संकल्पित नजर अगर आती है तो कौन सी है, और अगर नहीं है तो क्या कारण है, क्या उन पर दबाव है? असल बात यह है कि कहने के लिए तो सब कहते हैं कि हम गंगा के प्रति समर्पित हैं। आपने ठीक ही कहा कि मोदी जी को गंगा माँ ने बुलाया था, परंतु जब वाणी कर्म दोनों एक
डायरेक्शन में नहीं चलता है तब जो स्थिति उत्पन्न होती है वो युद्ध हुआ है। क्योंकि जब वाणी का उद्देश्य कर्म से कुछ के केवल लाभ लेना ही टकरा जाता है तो वह पथ दूषित हो जाता है, वही दूषित हो गया है। अब एक बात आप देखें कि उनको गंगा ने बुलाया था, जब 2013 में सानंद जी इस बात के लिए तप किए थे, जबकि इससे पूर्व के तप में उन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी मिली थी। हमें तो ये भी पता चला है अब कि इनमें भी उनको उपलब्ध होने जा रही थी, जो कि उस समय तक हमें नहीं पता था। परंतु इसी बीच में राजनाथ सिंह जी का उन्हें एक पत्र मिला, जिसे कि सानंद जी ने स्वयं बताया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी सब मांगों को मानेंगे, और इस बात का आश्वासन पूरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने उन्हें वृंदावन में बुला करके अनशन तुड़वाए थे और ये कहे थे कि मोदी जी आएंगे तो 2 महीना में तुम्हारी सब मांगें मानी जाएगी। इस आधार पर उस अनशन को तुड़वाया गया, जिसकी की पूर्णाहुत बहुत सक्सेसफुली होने जा रहा था, ऐसा अब पता चला है। अभी तक जितने भी अनशन हुए वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि सारी मांगें पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक कानूनी कार्रवाई के तौर पर जो हमारी प्रक्रिया चलती है भारतीय पद्धति में, जो हमारी सिस्टम है एक तरह से, उसमें मातृ सदन ने अपनी अभी तक की क्या भूमिका निभाई है और यहाँ के प्रशासन से आपको कितना सहयोग मिला है इस संबंध में? असल बात यह है कि पूर्व में जब मेरा आंदोलन चला था तो अच्छे अधिकारी भी आते थे। मैं कल्याण सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ तो जब वो ये बात समझ गए कि सही अर्थ में आंदोलन हो रहा है तो वो उनसे हमारी मुलाकात भी अभी तक नहीं है। वो इतना काम किए कि यहाँ ईमानदार अधिकारी को दे दिए, जिसमें श्रीमती आराधना शुक्ला यहाँ की डीएम थी, उस समय की तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट एनपी सिंह जी थे, बितुल कुमार यहाँ का एसपी हुए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि गंगा में जो खनन हो रहा था और हमने जो आवाज़ उठाई थी उसके फलस्वरूप उस समय के तत्कालीन जो खनन ठेकेदार था पुंटी चड्डागुर का, उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया, वो हमें उपलब्ध मिली भी। परंतु उत्तराखंड होने के बाद एक से एक दुर्भाग्य होना शुरू हो गया। उत्तराखंड की ये एक दयनीय स्थिति है कि हरिद्वार उत्तराखंड में चला गया, जिसका परिणाम हुआ कि उत्तराखंड में भ्रष्ट अधिकारियों की बहुतायत है और भ्रष्ट नेताओं की बहुतायत। तो उसमें ये लोगों को हरिद्वार पर एक गहरी दृष्टि है और हरिद्वार की गंगा के खनन से एक अपार संपद का ये होता है, तो उसके बाद से केवल दमन 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 ही शुरू हुआ। क्योंकि आप मातृ सदन के संस्थापक हैं और आप ही के एक तरह से नेतृत्व में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो एक बार हमारे दर्शकों के लिए जो प्रमुख प्रमुख मुख्य मांगे हैं आपकी गंगा सफाई को लेकर, अवैध खनन को लेकर, वो संक्षिप्त में अगर आप रखें तो सुविधा होगी। वैसे गंगा के लिए तो मांग बहुत ज्यादा है, हम चाहते हैं गंगा अपने प्रिस्टाइन फॉर्म में चली जाए, क्योंकि ये भी रिजुविनेशन कहते हैं, रिजुविनेशन का जो अर्थ होता है वो प्रिस्टाइन फॉर्म में जाना ही होता है। परंतु अभी सानंद जी के उन मांगों को लेकर के हम बैठे हुए हैं, पद्मावती बैठी हुई है, उसे मैं कह दे रहा हूँ। उनका पहला था गंगा पर प्रस्तावित और निर्माणाधीन जितने बांध हैं उनको निरस्त किया जाए। दूसरा है जितना बने हुए बांध हैं उनका ई फ्लो आईटी कंसोर्टियम के हिसाब से जो दिया गया है वो दिया जाए। तीसरा है कि गंगा में खनन पूरा बंद हो, स्पेशली हरिद्वार में पूरा पूरी खनन बंद हो जाए,
और चौथी मांग है कि एक गंगा भक्त परिषद बने जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी हो, क्योंकि अब तो ये बात स्पष्ट हो जा रहा है कि इन लोगों को द्वारा गंगा कभी अपने रूप में नहीं आई। और चूंकि इन्हीं चारों मांगों को लेकर के सानंद जी बैठे हुए थे, उसी पर आत्मबोधानंद 194 दिन पर बैठा, समस्त मांगें मान ली गई, लिखित में भी है और ओरल भी है। लेकिन इसको तोड़ने के लिए यहाँ यूके एफडीसी है, ये लगा हुआ है, और एनजीटी के एक महान भ्रष्ट जज, हम सीधा सीधी कहते हैं उनके विरुद्ध हमारा अनेक कंप्लेन है, क्योंकि जज होकर जो कभी भ्रष्टाचार होता है तो उसके शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, एक देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात हो जाती है। तो एक राठौड़ जी हैं उनको, और उसके बाद इन लोगों का प्लानिंग हुआ कि हमें कैसे इलिमिनेट किया जाए, उसकी भी जाँच हो। और अब जो एक मांग और जिसको लेकर के आत्मबोधानंद भी बैठा है उन मांगों के साथ साथ, कि साध्वी पद्मावती के साथ जो ये घटनाएं घटी हैं उन लोगों पर तत्काल कार्यवाही हो और एक उच्च स्तरीय जांच बैठे की हमारी मांग। मैं बता दूं, आत्मबोधानंद जी ने भी 194 लगभग 194 दिन का उन्होंने अनशन किया था और अभी पुनः बैठ गए हैं। और अभी अभी वर्तमान में ब्रह्मचारिणी पद्मावती जी अनशन पर बैठी हुई हैं, बहुत ही युवा हैं, लगभग 23 वर्ष की हैं वो, और उन्होंने लेकिन निश्चय किया है, एक संकल्प लिया है कि मैं अनवरत अनशन पर रहूंगी जब तक ये सारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। केवल शॉर्ट में भी बता देंगे और केवल घटना ही बता दे रहे हैं तो उस पर एक ले मैन भी, जिसे मामूल ज्ञान नहीं है, वह निष्कर्ष जो निकालेगा उसी निष्कर्ष को मैं मानूंगा। 10 जनवरी 2020 को एनएमसी के ऑफिस में जल शक्ति मंत्री शेखावत जी हैं, उनके सेक्रेटरी यूपी सिंह जी हैं और एनएमसी जी के डायरेक्टर हैं राजेंद्र मिश्रा जी, इसके साथ साथ एनएमसी जी के और अनेक अधिकारी हैं और हम लोग, उसमें बात हुई है। हालांकि उसमें भी और सब तीन मांग जो उषानंद जी की थी उसके लिए तो वो मोर और लेस तैयार भी हो रहे थे कुछ, जिसमें खनन के मुद्दा पर पूरा पूरी सहमत ही नहीं था। खनन के मुद्दा पर उनका जीओ सेक्शन 5 के तहत आदेश भी निकल चुका है और साथ ही साथ इसको हमने लागू कर दिया है, ये पीएमओसी जब इंक्वायरी हुआ था उसको भी सूचना दे दी हुए हैं और वहाँ भी उसको माने। उसके बाद यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनके बारे में मैं खुलेआम कहता हूँ कि खनन के सबसे बड़ा पैरोकार ये होकर के स्वयं उतरते हैं, आज तक देखा नहीं गया है खनन खुले इसके लिए चीफ मिनिस्टर स्वयं ऑफिस दौड़ता है, या आज तक विश्व के रिकॉर्ड में कहीं नहीं देखा जाता है ये जाते हैं ये काम करते हैं। और उसके बाद वहाँ पर एक मीटिंग होती है, ये काफी पेपर में आया हुआ है कि शेखावत जी के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत और यूके एफडीसी के निदेशक, ये सब की बैठक होती है। बैठक में होता है खनन को खोलना है, अब खनन कैसे खुलेगा आदेश हो चुका है, इसके लिए एक जांच कमेटी बैठ जाती है, जांच करेगा कि खनन हो सकता है कि नहीं हो सकता है रायवाला से भोगपुर तक। अब जबकि रायवाला से अजित बंदा तक का 1951 का नोटिफिकेशन है, कुंभ क्षेत्र के बंदी का आदेश है जिसे कि सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगा हुआ है, उस पर ये जांच बैठा देते हैं। और पीएम को कह दिया गया है कि रायवाला तक खनन को बंद कर दिया गया है, इस पर वो जांच बैठा देते हैं। तब होता है कि इसका विरोध कौन करेगा, अखिलेश महासदन करेगा, तो महासदन को इलिमिनेट करो। 10 से 30 के बीच में ये बात होती है, हुई है इनको। इसी बीच में आज से कुछ दिन पूर्व ही एनएमसी जी के पूरे टीम आए यहाँ आकर के, जितना एसटीपी है उसका निरीक्षण किया था, इसके लिए निरीक्षण करने के लिए अकेले यूपी सिंह जी आ जाते हैं। और दूसरे दिन से यहाँ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र शुरू होता है, जो डॉक्टर आके ठीक से जांच करता था उस डॉक्टर का व्यवहार बदल जाता है। 30 तारीख को गांधी जी की शहादत पुण्यतिथि है, उस दिन सरस्वती पूजा है, हमारे यहाँ सरस्वती पूजा हो रहा है, जब डॉक्टर की टीम आती है तो हम सरस्वती पूजा बैठे हुए हैं, पद्मावती भी वहाँ बैठी हुई है, हमारे सब महात्मा बैठे हुए हैं, उसमें आकर उसको उठा करके उससे पहले पूछताछ की जाती है, उसके बाद
डॉक्टरी रिपोर्ट तैयार करता है। डॉक्टरी रिपोर्ट भी 80 पल्स रेट है, उसको यहाँ के टंडन डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि ये तो टैकीकार्डिया हो गया। खैर, फॉल्स रिपोर्ट तैयार की जाती है। रात के 10:50 पर मात सदन में 144 धारा लगाई जाती है, जो कि किसी लग ही नहीं सकता है किसी आश्रम के अंदर। और 11 बजे साध्वी पद्मावती अपने रूम में सोई हुई है। एक साध्वी है, एक स्त्री है, अपने रूम में कोई किस ढंग से सोया रहता है इसका कोई अनुमान ही कर सकता है। और उसको एक पुलिस, मर्द पुलिस गेट को तोड़ करके हठात अंदर प्रवेश करता है। उसका महिला पुलिस जब जाती है और उसे जिस हिसाब से उठा के ले जाया गया है, यह सब का सब देख चुका है, इस पर मैं विस्तार से नहीं कहूँगा। उसके बाद वहाँ जाने की घटना सब सुनिए। उसके बाद वहाँ जाने के बाद उसे टॉर्चर किया जाता है, रात में रेप करने की चेष्टाएं की जाती हैं। उसका वो गवाह सब है। सुबह दिन में उसे प्रेग्नेंट कह दिया जाता है, जिस पर ये कहते हैं कि भगवान भी आएंगे तो हम विश्वास नहीं करूंगी। दोबारा जांच करने पर वह नहीं पाया जाता है। मीडिया को बुला लिया जाता है, मीडिया को कहा जाता है। और उसके बाद हमें खबर दी जाती है कि इसको एक ऐसी बीमारी है जिसका कि इलाज यहाँ का जो डॉक्टर कर उसी की देख रेख में जहाँ हम चाहेंगे वहाँ होगा। इस ढंग की बातें आना उद्देश्य क्या था, उसको हम मार देंगे और कहेंगे 2 महीने की गर्भवती थी, पेट में सर गया, मर गया, और डॉक्टर रिपोर्ट दे देता। और हमारे न्यायाधीश सब ऐसे हैं कि उसी डॉक्टर की रिपोर्ट को मानते, सत्य बात को स्वीकार करने की क्षमता लोग खो चुका है। इतना बड़ा षड्यंत्र का कोई अनुमान लगा सकता है कि छोटे स्तर पर नहीं हो सकता है। और इसका एक मात्र था एक साध्वी को बदनाम करना। आज भारतवर्ष की जो स्थिति हो गई है उसमें ये बात लोग सर्वग्राह्य कर लेता है बिना सोचे समझे, और यह इतना बड़े आंदोलन को नष्ट करना। स्पष्ट तौर पे महाराज का कहना है कि ब्रह्मचारिणी जो पद्मावती जी हैं उन पर एक तरह से बहुत ही गंदे घिनौने आरोप लगे। जैसे मैं पढ़ रही थी, जब इस केस की स्टडी कर रही थी, तो मैंने पढ़ा कि 2018 में मातृ सदन की ओर से उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस फाइल किया गया कोर्ट में, जिस पर उनका प्रत्युत्तर देते हुए बयान आया कि वो कानूनी कार्रवाई होगी, जो होगा हम देखेंगे। तो वो सारा मामला क्या था, एक ऐसे दीपक रावत जो फेमस हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, एक फ्रेंड ब्रांड आईएएस के लिए, जिनको उनकी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, तो ये क्या पूरा मामला था? वो फेमस नहीं है, नोटोरियस है। और दीपक रावत आजकल के भारतवर्ष में सोशल मीडिया का ये है, तो इसलिए आजकल जो आप लोग कहते हैं फेसबुक यूनिवर्सिटी में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के क्रिएशन है फेमस। रियलिटी क्या है, जो खनन बंद था, जिसको कि एनजीटी ने बंद कर रखा था, और जिस खनन के लिए उस संस्था को एनजीटी नियुक्त भी नहीं किया था, वो संस्था रिपोर्ट बना दिया कि खनन हो सकता है, इनको उसकी कॉपी भी नहीं थी, आ ये रिपोर्ट जमा होना था एनजीटी में, उस रिपोर्ट के आधार पर ये खनन खोल देते हैं। उसमें तो हमें सुनने के लिए आया कि 30 करोड़ रुपया लेके खनन खोले हैं, और उस खनन कितना अवैध था, इसके लिए एनजीटी ने स्वयं लिखा कि यह जितनी बात हुई है वो गलत ढंग से हुआ है, MOEF को लता रहा है और यहाँ के उत्तराखंड सरकार को लता रहा है कि तुम लोग खनन कैसे खोल दिया। ये तो उसी में साबित होता है कितने ईमानदार हैं। होता क्या है भारतवर्ष का एक आजकल जो ये सोशल मीडिया ग्रुप आ गया है, नियमतः किसी सरकारी अधिकारी को सोशल मीडिया पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सर्वसाधारण आदमी का सोशल मीडिया पर इतना अप्रोच नहीं होता है। यदि होता कोई अधिकारी जाकर के सोशल मीडिया पर अपना नाच गान और मैं अपनी कला, महाराज जी वो तो कहते हैं कि ये मैंने सुविधा के लिए, आम जनता की सुविधा के लिए किया हुआ, ताकि मुझे तुरंत कोई शिकायत कर सके, अपने नंबर मैंने पब्लिक कर रखा है, वो तो ठीक है। तो उन पर हम शिकायत किए हुए हैं, हमें कहा गया कि जहाँ पे एफिडेविट के साथ दीजिए, हमने एफिडेविट के साथ दे दिया, उस पर जांच बैठ जाए। और जहां तक जो प्रश्न आप उठाए उसकी घटना सुन लीजिए, समस्त वीडियोग्राफी है। हमारे नजर में और यहाँ के लोगों के नजर में सबसे बड़ा गंगा द्रोही जितना व्यक्त आया है
जटता के साथ, धूर्तता के साथ जिस हिसाब से काम करने वाला इसका एक चहेता मनीष कुमार था, उसको लेकर के जिस हिसाब से काम किया है वो तो एक इतिहास है और समय आने पर जब जांच होगा तब होगा। हुआ ये था कि मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर 25 दिसंबर को अवार्ड देने वाला था इनको 2017 जनवरी में फाइल हुआ था, 25 जनवरी में केस फाइल हुआ था, 25 दिसंबर को इनको अवार्ड देना था 2017। उसमें उसी समय ये खंड खोल दिए हुए थे 30 करोड़ रुपया लेकर के, जिसे कि हमको सूचना मिली, हम तो कहते हैं जांच करो, और जांच में रुपया तो कितना लिया तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनैतिक ढंग से किया है तो साबित, तो अब तो एनजीटी साबित कर दिया अनैतिक ढंग से हुआ था, तो अनैतिक ढंग से कौन क्यों क्यों कोई काम क्यों करेगा, गलत ढंग से क्यों करेगा, बिना स्वार्थ का नहीं करेगा। खैर, इस पर आत्मबोधानंद का जो अनशन था, आत्मबोधानंद को यहाँ से जबरदस्ती उठा करके हाइपोग्लिसिमिया के स्टेज में ले जा करके मारने का, हाइपोथर्मिया के स्टेज में ले जा करके एमसी में मारने की चेष्टा की गई, हम लोग यहाँ से ले आए और इसे बचाए। तो इसे सुनने में मिला कैसे इस बात में रिवार्ड मिल रहा, किसी ने कार्ड इसको दिखा दिया, ये बोला मैं इसका प्रतिरोध करूँगा। ठीक है, तुम कोई अवार्ड दो, एक तो बड़ी बात है कि अवार्ड लेने वाले कौन थे वो, क्योंकि सरकारी अधिकारी हैं, और मैंने जब सूचना के अधिकार में पूछा कि क्या इनको अवार्ड देने का परमिशन लिए थे पाने का, तो आया कि नहीं कोई परमिशन नहीं है। देखिए, किसी भी नदी का नियम है कि उस नदी से आप वही मटेरियल उठा सकते हैं जिसे कि अगले साल रिप्लेनिश कर लिया जाएगा, ये जनरल सिद्धांत है और भारतवर्ष में इस सिद्धांत को लागू किया गया है। तो ये लोग पत्थर उठाते हैं, अब देखिए कितनी विडंबना है, क्या सोच है कि भीमगोरा बैरेज है, पत्थर आएगा तो पहले भीमगोरा बैरेज भरेगा, तब ना भीमगोरा बैरेज के बाद आएगा, भीमगोरा बैरेज की ऊंचाई वही बनी हुई है। ऋषिकेश है, ऋषिकेश में राम झूला लक्ष्मण झूला के पिलार की ऊंचाई वही बनी हुई है, नाप के देख ले, तो सीधा पत्थर आकर के उसे स्टोन केसर के पास चला जाएगा और कहेगा तुम खोद लो, हम तुम्हारी पास आकाश उड़ के चले आए हैं, एक बात। दूसरी बात कि हमने इसका प्रयोग भी किया है, हमने गड्ढे किए, तो नियम है कि पहले आएगा तो गड्ढा भरेगा, ये लोग यू प्रयोग करते हैं, गड्ढा में ये कितना सा छोटा सा पत्थर भी नहीं आया, अगले साल वो यहीं पर मैं आपको कितना जगह दिखा दूंगा जहाँ पर कि जो खनन करके जो निकाला है आओ वो वैसा को वैसा ऐसे है तो ऐसे ही पड़ा हुआ, तो पत्थर आता नहीं, तो पत्थर नहीं आता है तो पत्थर का खनन एक भी नहीं होगा। दूसरी बात कहता है कि इसमें आता है, तो इसमें यदि पत्थर आएगा तो क्या गंग नहर में नहीं जाएगा, तो गंग नहर में पत्थर नहीं जाएगा और सब पत्थर यहीं चलाएगा, कुछ दिमाग भी। उसके बाद ये लोग तर्क देना शुरू किए कि यहाँ पर सहायक नदियाँ मिलती हैं, तो रवासन मिलता है नदी, रवासन के पत्थर चिपते हैं, तो वहाँ से चिपटा पत्थर आकर के यहाँ गोला हो जाता है, गंगा में एक भी गोला पत्थर नहीं है। जब इस बात को मैंने सुरेंद्र कुमार महान भ्रष्ट MOEF का था यहाँ आकर के मैं ये बात बताया कि आप जो कहते हैं, उन्होंने भी कहा था कि सहायक नदियाँ मिलती हैं, तो वहाँ जाकर मैंने देखा जी देखिए पत्थर जी जैसी ये है ना आपका पत्रिका, ठीक इसे मोटा और छोटा छोटा बड़ा इसी टाइप का पत्थर सब है, तो बोला तो मनीष कुमार महान मूर्ख जो है वो कहता है गंगा में घूमते घूमते हो जाता है, दो दिन में घूमते घूमते गोला हो जाएगा, इस टाइप का लॉजिक देता है। यहाँ पर FRR है, उसका एक परमानंद वैज्ञानिक है, नया है, एक अक्षर का उसे ज्ञान नहीं है, कहता है स्क्रॉल करके चला जाता है वहाँ पर, ऐसे ऐसे बुद्ध को क्या कर? जब मैं उनके इसके पहले के निदेशक थे उनको मैंने यहाँ का प्रमाण से मान के उससे मैं कर गया, उसका उनको ट्रांसफर कर दिया, दूसरा एक निदेशक आया, हमसे मुलाकात उनकी हुई नहीं है, उसके बाद से रिपोर्ट कर रहा है। और यहाँ के भारतवर्ष का सबसे बड़ा दुर्भाग कोई निकालता नहीं है, भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग अब भारतवर्ष के न्यायालय के कुछ भ्रष्ट न्यायाधीश हो गए हैं, किसी को बोलने का साहस नहीं हो रहा है, और मैं लिखित में दिया हूँ कि राठौर जी जो हैं महान भ्रष्ट हैं, उनको और उनका जो पेटिशनर है उसके इसका कहते हैं कि इनको हटाइए, मैं तब अपना वकील भेजूंगा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। अब उनका जांच देखिए कैसा होता है कि जांच बैठाए, जांच अधिकारी बोले कि देखो खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
जहाँ सरकारी आता है डीएम को खबर करता है, यूकेएफडीसी को जो संस्थाएं खनन करा रही हैं उसको करता है, आता है कहता अभी तो खनन नहीं हो रहा है, चोर को पाले को कर देंगे कि हम चोरी करने के लिए आ रहे हैं, उसमें चोर खनन करेगा। तो हम दयानंद ने कहा कि चलिए मैं आपको लीक दिखाता हूँ, आज लीक कहाँ तक जाती है, स्टोन अभी समझ खनन बंद है तो स्टोन के ऊपर स्टॉक कहाँ से है, ये काम तो मेरा नहीं। इस बात को जो राठौर जी कर लेते हैं उनको हम कहेंगे जज है, जज के लिए जज का क्वालिटी चाहिए और सब जज के लिए सबसे पहले निष्पक्षता चाहिए, ये बात है। तो इस ढंग से वैज्ञानिक तौर से भी ये प्रमाणित है कि गंगा में पत्थर नहीं आता है, एक बात को यदि आप उसे नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत का तो लगता है बहुत ही संपत्ति है, डेढ़ मीटर के खनन को कहते थे कि चुगान है, अब 1.5 मीटर को 3 मीटर कर दिए हैं, कहाँ कहाँ के सिद्धांत बना कैसे और सीपीसी भी चुप क्यों है, क्योंकि खनन का जो भी नीत बनेगा वो सीपीसी के द्वारा निर्धारित नीत को ही अपनाना पड़ेगा, और यह एक एस्टेब्लिश्ड नियम है कि गंगा किसी भी नदी में वही खनन होगा जिसका क्लीयरेंस होगा। तो 1.5 मीटर भी गलत था, उसमें मीटर का कोई सवाल नहीं उठता है, तो 3 मीटर ये किस आधार पर त्रिवेंद्र सिंह रावत कर देता है, और इस त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोई भ्रष्ट नहीं कहेगा तो ईमानदार कहेगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उन पर जितना मैं शिकायत किया हूँ उस पर जांच हो, तो जांच को क्यों रोकवा दिया है। तो ये तो, और फिर कह रहा हूँ कि उनको मेला अधिकारी बनाया है, अभी मैं कह रहा हूँ कि शायद ही किसी कुंभ में ये कुंभ स्नान भी किए होंगे, तो इतने अनुभवहीन व्यक्ति को बना देना, परिणाम सामने आएगा वो भविष्य बताएगा यदि ये रहा तो। पहले जो नमामि गंगे योजना अभियान था, जो जल संरक्षण मंत्रालय था, वो नितिन गडकरी जी संभाल रहे थे, अब वर्तमान समय में गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास वो प्रभार है। गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से कुछ ऐसा अपने उनकी तरफ से अपने व्यक्तिगत तौर पे कोई ऐसा प्रयास शुरू किया गया गंगा की सफाई को लेकर? अब उनकी बात मैं क्या कहूँ, अब गंगा के बारे में देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को भी देख लीजिए, गंगा मंत्रालय बना, उमा भारती, उमा भारती काम करना चाहती थी, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी माता सदन की, तो काम करना चाहती थी, परंतु वह अविरलता की बात करती थी। तो अभी सुनने में आया है, उस समय भी सुनने में आया था कि मोदी जी कहते हैं खबरदार अविरलता की बात मत करो, उसमें वो रिजिंक्शन देने पर उतारू हो गई थी। उसके बाद गडकरी जी आई, उनको हटा दिया गया, गडकरी जी आए, गडकरी जी पहले अविरलता समझते नहीं थे अविरलता क्या होता है, जब उन्हें चारों ओर से आनंद जी का आंदोलन चला अविरलता समझे। और उनके लिए तो कहा जाता है महाराज जी हमारे दिल्ली में कि इकलौते भाजपा में एक ही शेर है नितिन गडकरी, ऐसा कहा जाता है। वो शेर हो सकते हैं, तो शेर सब जगह शेर नहीं होता है, जहाँ सवा शेर होता है उसके थोड़ा नीचे रहना पड़ता है, तो गंगा के लिए वो शेर नहीं है, और रोड बनाने के लिए शेर हो या फिर किसी ठेकेदार को बचाने के लिए शेर हो जाए, लेकिन गंगा के लिए शेर नहीं आए। लेकिन गंगा के लिए जो किए वो मैं कह दे रहा हूँ, कुछ किए भी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने जब अविरलता समझा तो इन लोगों की भी बात की, हालांकि जितना हम लोगों का ये है उतना नहीं दे पाए, बाद में किए खनन के जो निकाला इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उसके बाद ये कितने बार गए त्रिवेंद्र सिंह रावत खनन खुलवाने के लिए उन्हें के लिए उनके पास, लेकिन वो इसको स्वीकार नहीं किए, यहाँ उनकी ये प्रवृत्ता है इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन 4 डैम बंद करने पर वो एडामेंट थे और वही सानंद जी के हत्या का कारण हुआ। परंतु यह जो शेखावत जी आए हैं इनका तो कोई सीमा ही नहीं है, इनको तो एक गंगा के प्रति प्रेम भी नहीं है। गंगा के प्रति तीनों में केवल उमा भारती को ही प्रेम था, गडकरी जी को भी गंगा के प्रति प्रेम नहीं था, और शेखावत जी को तो केवल दिखावती है। 10 सितंबर 2019 को उनसे एनएमसी के ऑफिस में हमारी वार्ता होती है, उसमें सब मांगों को जो आत्मबोधानंद के समय में स्वीकार की गई थी मौखिक और अलग, उसको वो कहते हैं कि हमको वचन दिलाने के लिए याद आए हैं, और वही 10 जनवरी को और सब बात को तो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु 4 डैम बंद होने की बात को नकार जाते हैं, और उनके सेक्रेटरी जो यूपी सिंह हैं वह मीटिंग में नहीं रहते हैं, और उनकी जो अभद्रता उस मीटिंग में सामने आई वह
कोई सब समाज में उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इतना सफेद झूठ बोलने वाला। ठीक है, सुनिए अभी, अभी 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 एक बात और। तब उसके बाद वही जो चीज मानता मान ली गई है, अभी तक शेखावत जी गंगा के लिए कुछ किए नहीं है, तभी ज्ञान रूपी सूर्य का अस्त हो चुका है, मन रूपी चंद्रमा दूषित होकर के प्रकाशहीन हो गई है, संघर्ष रूपी अग्नि को दबा दिया जा रहा है, वाणी रूप वाणी को गोदी मीडिया और आप के कितने मीडिया सब जानते हैं कि जिस हिसाब से कर दिया गया, दबा दिया गया है। तब एकमात्र रास्ता आत्म प्रकाश होता है, तपो ब्रह्म, तप ही ब्रह्म है। मैं तप का सहारा ले रहा हूँ, जिस तप के ताप से वाणी में शक्ति आएगी। अभी साध्वी के तप का ताप है, तभी तो आप यहाँ आए हैं, नीतीश कुमार जी वहाँ से पत्र लिखे हैं, बहुत से लोग आश्रम में इतना एकांत आश्रम में चले आ रहे हैं, तो तप का प्रभाव तो होता है, तो इससे वाणी अभी हो ही वाणी प्रकाशित होगी, आप निकलेंगे तो वाणी में शक्ति आएगी, इस वाणी के प्रभाव से संघर्ष रूपी शक्ति का उदय होगा, अग्नि का प्राकट होगा, उस अग्नि के प्राकट होने से मन रूपी चंद्रमा का कालिमा हटेगा, और मन रूपी चंद्रमा के कालिमा हटने से ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित होगा, और तब ये काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये थे मेरे साथ शिवानंद जी, और इनकी व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही है कि ये तो अनवरत संघर्षशील हैं गंगा माँ के लिए, और इन पर कई तरह के जो खनन माफिया हैं आरोप भी लगाते रहते हैं, लेकिन जिन्होंने इन्होंने एक कथा सुनाई, बहुत ही एक ऐसी धार्मिक कथा जिसमें बाद में बचता है आत्मा, और आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, और वो हमेशा रहेगा, और वही शक्ति महाराज जी कहते हैं मुझे इस संघर्ष के लिए मातृ सदन में जो है प्रेरित करता रहता है। फिलहाल हम देखते हैं कि पर्वतराज जो हिमालय हैं और सुमेरु पर्वत की जो पुत्री हैं मैना, उनकी सुपुत्री गंगा जी को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है, गंगा सफाई की जो इतने ढेर सारे अभियान हैं, योजनाएं हैं, वो धरातल पर उतरती हैं कि नहीं उतरती हैं। मोदी सरकार 1 आ गई, मोदी सरकार 2 आ गई, अब देखते हैं क्या जो नमामि गंगे की जो सारी योजनाएं हैं वो कितना कारगर साबित होती हैं, और जो अवैध खनन की जिसको लेकर मातृ सदन एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, इसमें इनको कितनी जीत मिलेगी आने वाले समय में। देखते रहिए दी संडे पोस्ट। नमस्कार।